हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। सो बच्चा, हम लोग 9th क्लास का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं। इसके नाजीज़म एंड राइज ऑफ द हिटलर। टुडेज अवर टॉपिक इज हिटलर्स राइज टू पावर। इन द प्रीवियस वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो हमने किए हैं, उसमें हमने आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो यूरोप की सोसाइटी थी, वहाँ की जो पॉलिटी थी, वहाँ की जो इकोनॉमी थी, उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट हुआ, किसका, फर्स्ट वर्ल्ड वार का। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कैसे वहाँ की सोसाइटी को, वहाँ की पॉलिटी को, वहाँ की जो इकोनॉमी थी उसको कैसे प्रभावित किया, ये हम सब जान चुके हैं, हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब जो बहुत इंतजार चल रहा था कि चैप्टर तो कब से हमारा शुरू हो गया, लेकिन हिटलर का तो नाम ही नहीं आया। चैप्टर का नाम है राइज ऑफ द हिटलर, लेकिन हिटलर का राइज कब होगा? सो हिटलर का राइज हो गया बच्चा, डोंट वरी। टुडेज अवर टॉपिक इज हिटलर्स राइज टू पावर, कि हिटलर पावर में किस तरह से आए। ये जो टॉपिक है हमारा हिटलर राइज टू पावर, इसको हम दो वीडियो में कवर करेंगे। एक जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, किसका बैकग्राउंड, हिटलर का। अगर हमें किसी के बारे में कुछ पता करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि उसने ये किस तरह से किया, तो हमें क्या करना, उसका पहले बैकग्राउंड देखना। बैकग्राउंड से मतलब कि वो उसने कहाँ पर जन्म लिया, क्या उसकी सिचुएशन रही, क्या उसने किया। तो हमें आधा जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो आधी पूरी हो जाती है, कि आधी हम उसे उसके बैकग्राउंड को पता करके ही उसमें पता लगा लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द राइज ऑफ द हिटलर, और उसमें हम पढ़ेंगे बैकग्राउंड, किसका बैकग्राउंड, हिटलर का बैकग्राउंड। फर्स्टली हिटलर वॉज बोर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। कहाँ पर हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था, ऑस्ट्रिया में 1889। अच्छा, ऑस्ट्रिया कहाँ है, पहले ऑस्ट्रिया दिखाती हूँ मैप में, देखिए यहाँ पर ये जर्मनी के पास इधर ऑस्ट्रिया है, इसकी जो पॉलिटिकल बाउंड्री है वो किससे, ऑस्ट्रिया से मिली हुई है। सो ये ऑस्ट्रिया में इसने जन्म लिया था। अच्छा, अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो जर्मनी का था भी नहीं, ऑस्ट्रिया में इसमें जन्म लिया है, तो फिर ये जर्मनी के लिए इतना क्यों एफर्ट लगा रहा था। तो वो इसलिए कि जर्मनी और ये जो जर्मनी और ऑस्ट्रिया या आसपास की जो कंट्री नज़र आ रही हैं, वो तो पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर कर रही थी, और इसके साथ साथ वो एक ही तरह के कल्चर को शेयर कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड कंट्रीज थी। तो एनरोल्ड हिमसेल्फ इन आर्मी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, तो हिटलर ने, हिटलर का जो बर्थ था, हिटलर की जो बचपन था, वो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में गुजरा, बहुत ज़्यादा गरीबी में उसका बचपन निकला। तो उसने अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ एनरोल करा लिया, कहाँ पर, आर्मी में, आर्मी में एनरोल करा लिया उसने अपने आप को, एंड देन बिकम कॉर्पोरल एंड अर्न मेडल फॉर ब्रेवरी। और वहाँ पर उसका काम क्या था, वहाँ पर उसका काम था मैसेंजर, एज ए मैसेंजर वो वहाँ पर काम कर रहा था। कहाँ पर, कहाँ पर, फर्स्ट वर्ल्ड वार में, फ्रंट ऑफ द वार की जो प्लेस ऑफ द वार की, जहाँ पर वार हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वहाँ पर वो मैसेंजर का काम करता था, मतलब मैसेज को ट्रांसपोर्ट करता था। तो वहाँ पर उसको अपनी ब्रेवरी के लिए बहुत सारे मेडल्स मिले, मतलब वहाँ पर उसने भी बहुत ज़्यादा ब्रेवरी दिखाई, बहुत अच्छे से उसने वहाँ पर काम किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी डिफीट हो गया, जर्मनी हार गया। सो ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड विद जर्मन डिफीट, कि जर्मन की जब हार गया तो वो बहुत ज़्यादा उससे क्या हुआ, डिसअपॉइंटेड हुआ, बहुत ज़्यादा निराशा हुई, कि इतना एफर्ट उसने लगाया, इतना एफर्ट किया लोगों ने, उसके बाद भी वो हार गए। उससे ज़्यादा जो डिसअपॉइंट हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो बहुत ही अनजस्टिस और इनह्यूमिलेटेड ट्रीटी थी, जिसको पीस ट्रीटी कहा गया था, लेकिन पीस के नाम पर वहाँ पर कुछ नहीं था, वो बहुत ही हार्श ट्रीटी थी, किसके लिए, जर्मनी के लिए, जो डिफीट कंट्री थी उसके लिए। तो वो जो ट्रीटी हुई, उस ट्रीटी के होने पर अंदर ही अंदर जो हिटलर था, उसको ऐसा लगा कि ये जो हमारे साथ अनजस्टिस हुआ है, ये जो हमारे साथ अनजस्ट हुआ है, उसको, उसका मैं बदला लेकर रहूँगा। तो अंदर ही अंदर क्या हो रहा था, हिटलर बन रहा था, बन रहा था, मतलब जब पहले एक वीडियो हमने किया था तो उसमें कहा था कि हिटलर वाज नॉट बॉर्न
हिटलर वाज मेड, हिटलर का जन्म नहीं हुआ था बल्कि हिटलर बना था। क्यों बना था? ये सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई थी जिससे हिटलर बना। हिटलर कहां पर आया? हिटलर अस्तित्व में आया। सो 1919 जब वो डिफीट हो गई तो क्या हुआ? 1919 में उसने ज्वाइन जर्मन वर्कर पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर पार्टी, उसको ज्वाइन कर लिया 1990 में। उसे थोड़ी क्योंकि उसको अगर जो विनर कंट्रीज थी अगर उनके अगेंस्ट लड़ना था, उसको अपने जो भी उसके साथ अनजस्टिस हुआ है उसको अंडू करना था, उसको वापस लेना था, तो उसको थोड़ी पावर तो चाहिए थी ना। तो इसीलिए उसने एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लिया 1919 में एंड टूक ओवर द कंट्रोल ऑफ दिस पार्टी एंड आफ्टर दैट रीनेम इट। तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद उसने उस पार्टी के ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया, अपने कंट्रोल में पार्टी को ले लिया और उसको रीनेम कर दिया, उसका नेम चेंज कर दिया। नेम था उसका जर्मन वर्कर पार्टी, तो उसने उसको नेम चेंज करके क्या रख दिया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। क्या नाम रख दिया उसका? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और जिसको नाजी पार्टी कहा गया। तो यही नाजी पार्टी थी और इसी नाजी पार्टी को फॉलो करने वाले, नाजी पार्टी के जो फॉलोवर थे उन्हीं को कहा गया था नाजिज्म। कहा था ना कि जो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे। जब वेरी फर्स्ट हमारा वीडियो शुरू हुआ था तो हमने चैप्टर का नाम में बताया था नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो नाजिज्म का मतलब है कि जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी, नाजी पार्टी से मतलब जो हिटलर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग थे, उसको सपोर्ट करने वाले लोग थे, उनको कहा गया नाजिज्म। तो अब पता चला कि नाजी पार्टी क्या थी। तो नाजी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को ही नाजी पार्टी कहा गया। तो अब धीरे धीरे क्या किया, उसने अपने पैर रखना शुरू कर दिए पावर में। तो उसने पार्टी को ज्वाइन किया जर्मन वर्कर पार्टी, फिर उसको अपने कंट्रोल में लिया और उसको रीनेम कर दिया और उसका नाम रख दिया क्या, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। एंड आफ्टर दैट हिटलर वॉज वेरी पावरफुल स्पीकर एंड ओरेटर, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तरीके से बोलता था। मतलब उसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि जब वो बोलता था तो लोग उसकी बातों को सुनना पसंद करते थे, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पीकर था, एक बहुत अच्छा ओरेटर था, लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे, उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते थे। और जब उससे इन्फ्लुएंस हो जाते थे तो क्या होते, उसको वो धीरे धीरे ज्वाइन करते चले गए लोग, किसको, हिटलर को। तो देखा हिटलर धीरे धीरे अपनी क्या कर रहा है, पावर को इंक्रीज कर रहा है। सो फोकस टू अंडू ऑल द अनजस्टिस डन विद जर्मनी प्रॉमिस टू बोल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। जब वो बोलता था कहाँ पर, अभी देखा ना कोई, वो उसने एक पार्टी ज्वाइन कर ली थी, फिर उस पार्टी को रीनेम कर दिया नाजी पार्टी। तो नाजी पार्टी में जब वो भाषण देता था एज अ स्पीकर, जब वो बोलता था तो लोग उसको सुनना पसंद करते थे। वहाँ पर उसने अपना जो प्रोपोगंडा बताया, उसने जो लोगों से कहा, जो प्रॉमिस किया वो क्या था, उसने कहा फोकस टू अंडू ऑल द अनजस्टिस डन विद जर्मनी। उसने कहा कि जो भी जर्मनी के साथ अन्याय हुआ है ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में, जो भी बुरा हुआ है, गलत हुआ है, किसके साथ, जर्मनी के साथ, उस सबको वो क्या करेगा, अंडू कर देगा, मतलब उस सबको ठीक कर देगा, पहले जैसी कंडीशन कर देगा। एंड प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और कहा कि जर्मनी को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेशन वो बनाकर रहेगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसको लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि लोग तो जो वेमार रिपब्लिक थी उसको पसंद ही नहीं कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था ना कि जो दो पार्टी बन गई थी कंट्री में, एक तो वेमार रिपब्लिक थी और दूसरी स्पार्टिस्ट लीग थी, तो दोनों में क्या थे, कॉन्फ्लिक्ट थे, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही थी। इसी सिचुएशन का फायदा किसने लिया था, हिटलर ने लिया था। अब वो अपनी पावर को इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर उसने लोगों से प्रॉमिस किया कि अगर वो उसको सपोर्ट कर रहे तो क्या करेगा, वो जो भी उसके साथ, उनके साथ गलत हुआ है उन सबको वो ठीक कर देगा और जर्मनी को एक बहुत ही सशक्त, एक बहुत ही पावरफुल कंट्री बनाकर रहेगा। क्यों, इतना पावरफुल उसको बना देगा कि आसपास की जो कंट्रीज हैं वो जो उसके ऊपर उनको अपने कंट्रोल में रख रही हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर रही हैं, वो कुछ नहीं, वो इस तरह की एक्टिविटी उसके साथ नहीं कर पाएंगी।
and weed out all the foreign influence and conspiracies against Germany. और उसने कहा कि ये जो foreign influence है, कि जो बाहरी country के उसके ऊपर दबाव है, influence है, उस सबको क्या करेगा, वो weed out कर देगा, सबको country से बाहर निकाल देगा, Germany से बाहर निकाल देगा, और उन सबको जो उसके खिलाफ, किसके, Germany के खिलाफ कॉन्सप्रेसीज रच रही हैं, जो षड्यंत्र कर रही हैं, उन सब फॉरेन कंट्रीज को या उन सब फॉरेन इन्फ्लुएंस को वो बाहर कर देगा जर्मनी से. एंड ही हैड अ प्लान एंड हिज विजन टू अचीव इट. लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में बातें कर रहा था, तो ये सब करने के लिए उसके दिमाग में कोई तो प्लान चल रही होगी. अगर हम कोई काम करते हैं, कोई कुछ शुरू करते हैं, तो उसके लिए एक प्लानिंग होती है कि हम इस तरह से करेंगे. तो उसके दिमाग में भी कुछ प्लानिंग थी, कुछ विजन से, जिससे उसने लोगों से ये प्रॉमिस किया कि हम इस तरह से करेंगे और ये सारा जो अनजस्टिस हमारे साथ हुआ है, इन सबको हम ठीक कर देंगे, इन सबको हम अंडू कर लेंगे. तो ये सारी चीज़ें उसने किस तरह से की और किस तरह से वो पॉलिटिक्स पावर में आया, और पॉलिटिक्स में आने के बाद कैसे पावर उसने अपने अंडर कंट्रोल की, तो ये सब हम पढ़ेंगे किसमें, नेक्स्ट वीडियो में. अभी इस वीडियो में हमने देखा कि उसका बैकग्राउंड कैसा था, कि कहां से वो आया था और कैसे वो धीरे धीरे अपने आप को हिटलर बना रहा था. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी हमारा टॉपिक होगा हिटलर्स राइज टू पावर. लेकिन उस वो पॉलिटिक और पावर में किस तरह से आया वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.